हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी। दोस्तों तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ वीवो X21। तो दोस्तों इसमें डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट से काफ़ी नाम पॉपुलर हो रहा है, आपने सुना ही होगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ वीवो X21 बहुत अच्छा है, मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ दोस्तों। तो देखा और गए कि आप बॉक्स में, तो यहाँ पर हम बॉक्स खोलते हैं दोस्तों। बॉक्स खोलने के बाद देखिए आपको यहाँ पर कार्ड दिखेगा और देखिए यहाँ पर चार्जर और लीड है। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग करी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी पैकिंग कर रखी है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पैकिंग। तो यहाँ पर हम ये कार्ड, तो वीवो का कार्ड है, तो इसे हम साइड रखते हैं और फ़ोन को बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो फ़ोन को देखिए किस तरह से फिंगरप्रिंट दिखा रखा है, जो डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले द अंदर फिंगरप्रिंट्स। और ये देखिए चार्जिंग बहुत ही अच्छा और हमारे मोबाइल को चार्ज करेगा बहुत ही फास्ट, जो बहुत ही अच्छा चार्जर है। और लीड की जो पैकिंग कर रखी है बहुत ही अच्छी कर रखी है वीवो की, वो भी टैटू भी लगा रखा है, तो बहुत ही अच्छा ब्रांड जो है बहुत ही अच्छा है। तो वीवो की ब्रांडिंग भी दे रखी है और ये क्लास तो बहुत ही अच्छा लुक देता है जो हमारे फ़ोन को, तो अच्छा लगता है। इसके साइड पैनल भी दिए गए हैं और यहाँ पर एक सिम स्लॉट निकालने के लिए, और लीड भी पैकिंग की गई है काफ़ी अच्छी तरह से लीड पैकिंग की गई। हाँ दोस्तों, इसमें आपको टाइप सी नहीं मिलेगा, नॉर्मल माइक्रो चार्जर ही मिलेगा, तो आपको टाइप सी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लुक है। और देखिए यहाँ पर हम पन्नी हटा के आपको दिखाते हैं कि रेड कलर में कितना अच्छा लग रहा है, कितना रिच लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही प्यारा है दिखने वाइज, लुक देखिए, लुक मुझे लुक काफ़ी पसंद आया दोस्तों इसका। तो जो राउंड शेप दिया गया है बहुत ही बेहतरीन शेप दिया गया है, हाथ में पकड़ने पे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख रहे होंगे कि मैं वीवो को पुराना मॉडल और वीवो का नए मॉडल में आपको कितना बदलाव नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। मुझे तो फ़ोन देखने में ही काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे आपको नीचे सिम स्लॉट मिलता है, काफ़ी चौंकाने वाली बात है, मगर नीचे ही आपको सिम स्लॉट मिलेगा फ़ोन के, जहां स्पीकर है। और आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा इसमें, और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कैमरा वाइज जैसे कि आपको पता ही होगा वीवो का कैमरा काफ़ी अच्छा होता है, तो हम आपको दिखाते हैं फ़ोन दिखने वाइज लुक बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब फ़ोन का जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया है, डिस्प्ले है फुल, मतलब जो डिस्प्ले है मतलब 4K डिस्प्ले है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से आप कोई भी वीडियो इसमें प्ले करेंगे तो 4K काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने वाइज, बहुत ही ऑसम लगता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं फ़ोन काफ़ी अच्छा लुक वाइज, और दोस्तों खास बात है आप इसे वन हैंड से भी यूज कर सकते हो, वन हैंड बोले तो मतलब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो मैं आपको बता दूं जैसे इसके फंक्शन भी काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शन मिले गए हैं इसमें, जो हमें देखने में काफ़ी अच्छा लगते हैं। देखिए जो मिनिमाइज करके हम देख रहे दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा। और इसके जो नोटिफिकेशन बार है तो उसमें भी आपको तरह तरह के फंक्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम सेटिंग में, देखा आपने सेटिंग में हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या मिला है। इसमें 8.1 ओरियो मिलेगा आपको दोस्तों। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है और OS पे चलेगा ये आपका जो वीवो का है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ लुक वाइज तो फ़ोन मतलब 10 में से 10 है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लुक वाइज है। और जो फिंगरप्रिंट देखा है सबसे हाईलाइट हो रही है जो इसमें, तो फिंगरप्रिंट है डिस्प्ले द अंडर फिंगरप्रिंट, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख होंगे मैं फिंगरप्रिंट सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पासपोर्ट यहाँ पर टाइप कर लिया मैंने, तो आप देखिए फिंगरप्रिंट को मांग रहा है, तो मैं फिंगरप्रिंट को यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो देखिए क्लिक किया, बहुत ही अच्छा फिंगरप्रिंट कैचअप कर रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी मतलब फ़ोन में जो खासियत है। मगर दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, इसका प्राइस बहुत ही ओवर रखा है, अगर ये 25 से 28 के बीच होता तो ये फ़ोन काफ़ी पॉपुलर होता,
मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि 36,000 इसके किसी फंक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, क्यों लगता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों मेरी तो यही राय है कि फ़ोन अच्छा है मगर प्राइस ओवर है इसकी, प्राइस कुछ ज़्यादा ही प्राइस रखी गई है। तो मैं आपको बता दूँ, ये इंडिया में आने वाला है, आपको फ्लिपकार्ट में ये मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है और इसके फिंगरप्रिंट्स थोड़ा सा टाइम लगा था मगर इस ओके मतलब ठीक है दोस्तों। देखा होगा कि आपके फिंगरप्रिंट थोड़ा सा टाइम लगा था इसमें, तो थोड़ा टाइम तो लगाएगा ही दोस्तों, क्योंकि हम टच इस तरह से करते हैं, अगर हम प्रॉपरली तरीके से टच करें तो फ़ोन काफ़ी जल्दी अनलॉक हो जाता है। वैसे ये भी कोई छोटा इशू नहीं है, इशू ही नहीं है, मतलब फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो, बार बार खोलने का मन कर रहा है। देख रहे होंगे कि आप हम किस तरह से हम सैमसंग S9 प्लस से यहाँ टक्कर दे रहे हैं इसको, तो काफ़ी लुक वाइज और इसकी इस जो मोबाइल की एंड्रॉयड स्क्रीन है बहुत ही अच्छी है और ये एंड्रॉयड के 4K तक के सपोर्ट करती है दोस्तों। दोस्तों तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा फ़ोन, फ़ोन का जो लुक है, फ़ोन का जो डिस्प्ले है सुपर अल्मोड डिस्प्ले, तो काफ़ी अच्छा दिया है वीवो ने, मगर प्राइस ओवर दिया है। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन, बहुत ही अच्छा लग रहा है लुक वाइज भी, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़का जी। तो आज के लिए